जो 380 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 5% की हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य बताइए। रेडियो को कितने में बेचा है? 380। कितने रुपए हानि हो, कितने रुपए हानि हो रही है? 5% हानि हो रही है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। तो इसके लिए फार्मूला है क्या? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपका क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। रेडियो कितने में बिका है? 380 रुपए में। गुणे 100 करेंगे चूंकि फार्मूले में है, बटा 100 ऋण हानि प्रतिशत। कितने प्रतिशत की हानि है? तो 5% में 5 ही केवल लिखेंगे, ठीक है, प्रतिशत वगैरह नहीं लगाएंगे। अब जो है इसे काट सकते हैं या नहीं? नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस लगा होने पर हम काट नहीं सकते, इसलिए ऊपर की गिनती को हम ऐसे उतार लेंगे, नीचे 100 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 95 आया। अब चलो बहन जी, कोई भैया इसको हल कर सकते हैं? हाँ चलो आओ, अब इसे काटो पीटो सही करो, देखो क्या आता है। ना मुंह से बोलो। 19 95 19 38 यहाँ 20 हो गया, 5 5 5 24 400। देखो भैया जी ने थोड़ा अशुद्धि किया है काटने में, इन्होंने 5 5 5 4 20 लिखा है, लेकिन उसे पढ़ पे क्या आ रहा है? 204 आ रहा है ना? काटने वाली गिनती को 1/4 लिखना है, यानी उससे छोटी और उससे ऊपर। मान लो लिख रहे हो तो थोड़ा तिरछा लिख दो, तो लगेगा कि हाँ 20 को इन्होंने काटा है। 5 1 5 5 4 20। अब 100 को 4 से गुणा करेंगे, 400 क्या आया? रुपए। अब रेडियो का क्रय मूल्य कितना हुआ? 400 रुपए। यानी वो 400 रुपए का रेडियो खरीदा था और जिसको बेचा कितने में? 380। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? 5। इसको जानने के लिए अगर